अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा खान है और आप लोग देखते हैं हमजा ऑफिशियल। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अगर आप लोग का फेसबुक अकाउंट यू डिसएग्री विद डिसीजन पर चला गया तो कैसे रिकवर कर सके, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में तक जरूर देखिए ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इस पेज से एक स्क्रीनशॉट देना, स्क्रीनशॉट देने के बाद आप लोग अपने मोबाइल में जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर देना। ओपन करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपोज, आप लोग सिंपली कंपोज के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली अपना जीमेल लॉगिन कर देना। मैंने पहले से लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद नीचे टू है, तो आप लोग सिंपली टू की जगह एक ऑफिशियल ईमेल पेस्ट कर देना, लिख देना। तो मैंने नोटपैड में एक ईमेल लगा दिया और आप लोग ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये मैं कॉपी करता हूँ। आप लोग देखते हैं कि मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद टू की जगह कॉपी पेस्ट कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोग देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऐड हुई। ऐड होने के बाद सब्जेक्ट में टाइप कर देना यू डिसएग्री विद द डिसीजन प्रॉब्लम। आप लोग देखते हैं कि मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा कंपोज, कंपोज की जगह आप लोग ये कॉपी लिख देना, कॉपी टाइप कर देना। मैं नोटपैड में एक अपील लगा दिया और ये अपील आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ये मैं कॉपी करता हूँ। आप लोग देखते हैं कि मैंने कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आप लोग सिंपली कंपोज ईमेल पर ए पेस्ट कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप लोग एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट इंफॉर्मेशन, आप लोग अकाउंट का इंफॉर्मेशन भेज देना, जैसे अकाउंट का फुल नेम, नंबर, ईमेल और पासवर्ड सब कुछ एंटर कर देना। तो जल्दी मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद ऊपर जो अटैच का आइकन आते हैं, तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अटैच फाइल पर क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद आप लोग पहले वाला स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ऊपर जो अटैच का आइकन आता है, फिर भी इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अटैच फाइल पर क्लिक कर देना और आप लोग अपने अकाउंट का प्रूफ अटैच कर देना है, और आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है प्रूफ आपके पास है वो अटैच कर देना। आप लोग देखते हैं कि मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद सिंपली आप लोग सेंड पर क्लिक कर देना। आप लोग देख देख के मेरा जो अपील है सेंटर पर चला गया। बस आप लोग और कुछ नहीं करो, दो दिन से तीन दिन तक वेट कीजिए, आप लोगों को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये होगा आज की वीडियो। अगर आप लोग की आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।